नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। भारत बंद के दौरान बलिया लखनऊ नेशनल हाईवे पर चिलकहर रेलवे स्टेशन के समीप SC ST एक्ट कानून के विरोध में नेशनल हाईवे को सुबह 10 बजे से ही प्रदर्शनकारियों ने टायर फूंक कर जाम लगा दिया। 3 घंटे तक जाम लगने के बाद जनपद के कई थानों की फोर्स व SDM भी घटना स्थल पर पहुंच गए। काफी प्रयास करने के बाद भी प्रदर्शनकारी DM को घटना स्थल पर बुलाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर हवाई फायरिंग कर भीड़ को तितर बितर करने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग कर लाठीचार्ज किया गया, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस काले कानून को वापस लिए जाने की मांग की। लिया से समाचार ए टू जेड के लिए पिंटू सिंह की रिपोर्ट। हम लोग सुबह से ही आज यहाँ 10 बजे से ही बैठे हैं। सुबह से SC ST एक्ट को लेकर के हम लोग बैठे हैं। शाह भाई और यहाँ पे OBC भाई सभी बैठे हैं। यहाँ कोई हमारा जातिगत लड़ाई नहीं है, हम शाह और OBC को लेकर के यह लड़ाई है। केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की है, उस अवहेलना को देखते हुए हम लोगों का यहाँ पे यह आंदोलन चालू हुआ है। और हम लोग सुबह से बैठे और हम लोग का यही कहना है कि DM साहब यहाँ आए, हमारा पत्र रख ले और माननीय कुछ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए हम लोग पत्र का प्रस्ताव बना चाहते हैं। यानी बलिया राजधानी मार्ग पे आप 2 घंटे से जाम लगाए हुए, अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात सुन नहीं रहा है? कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारा कोई सुन नहीं रहा है। हमारे यहाँ बहुत शासनिक दबाव आ रहा है। क्या किस तरीके का दबाव आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग आंदोलन न करें वरना लाठियां भी चार दे सकती है। धन्यवाद।